नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पंचायती राज LDC भर्ती 2013 की। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे समय से 8 सालों से संघर्ष कर रहे मनरेगा कर्मचारी, इसके अलावा बेरोजगार छात्रों ने अब पंचायती राज LDC भर्ती के शेष रहे 10,029 पदों पर ज्वाइनिंग को लेकर क्या बड़ी अपडेट है। ईरा बोस जो प्रदेशाध्यक्ष है, मैं बता दूं दोस्तों, युवा हल्ला बोल के इन्होंने यहाँ पर पंचायती राज LDC भर्ती 2013 के शेष रहे 10,029 पदों को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर क्या संदेश दिया है, इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों, देखते हैं ईरा बोस जी का संदेश। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर मैं ईरा बोस। आप सभी को आज भी बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज भी आए, मेरे पास कॉल भी आए, लेकिन अब मैसेज और कॉल से काम नहीं चलेगा। आप मैसेज जो जयपुर में लोग रह रहे हैं और जो मजबूत लोग हैं, जो इस भर्ती के लिए बहुत ज्यादा मेहनती है और उनके अंदर एबिलिटी है नेतृत्व करने की, तो उनके साथ में मैं एक बार मीटिंग करना चाहता हूँ। तो आप एक उचित डेट देख करके, या कल नहीं, या तो मंडे को रख लो, या मंगलवार, सोमवार या मंगलवार को रख लो, एक आप मीटिंग अरेंज करो। उसके बाद में हम बैठ करके नेहरू गार्डन में मीटिंग रख लो और एक रणनीति के तौर पर के प्लानिंग आगे की बढ़ाएंगे, और आगे फिर अपने को क्या करना है। अब देखो, धरने की तो जरूरत है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग की बहुत बड़ी जरूरत है। तो आप में से जो मजबूत मजबूत लोग हैं, तो एक बार इस मीटिंग को अटेंड करें, और उस मीटिंग में मैं भी शामिल होऊंगा। आगे आप सबके भी विचार सुने जाएंगे, मैं भी अपनी राय दूंगा, और फिर वो लास्ट डिसीजन लेंगे और हमें क्या करना है, अगर आमरण अनशन पे बैठना है, धरना करना है, या क्या करना है। आप 15 दिन तक मजबूती प्रदान कर लो, 15 दिन, 15 दिन आप मेरे को दे दो, मैं आपको 15 दिन के अंदर आपका काम करवा के दिखा सकता हूँ। 587 वाले, पूरे 587 वाले एक्टिव नहीं थे, लेकिन उसमें से केवल 5-7 जने जो एक्टिव थे, उन्होंने रात दिन एक कर दिया। आज उनको जो बिल्कुल अधिकारियों ने कह दिया था इनका काम नहीं होगा, वही कंडीशन आपके साथ हो रखी है। लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरे को 15 दिन दोगे ढंग से, तो मैं आपका काम करवा के निकलूंगा। अब मैंने कह दिया है कि मैं पंचायती राज LDC 2013 के लिए पूरी तरह से मैं आपके साथ हूँ, और आपको इस भर्ती को कंप्लीट करवाना है, तो इस मैटर को थोड़ा सीरियस लो और आप लोग एक मीटिंग अरेंज करो। मैं कभी भी, आप कहोगे ना उस टाइम मैं आ जाऊंगा, आप कहोगे कि आधी रात को मीटिंग है, मैं वहां आ जाऊंगा, तो आप एक मीटिंग अरेंज करो, ठीक है? और ये काम करो सबसे पहले, उसके बाद में आगे की रणनीति फिर अपन स्टेप टू स्टेप आप सबको फॉरवर्ड कर लेंगे, फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, या व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑडियो या फिर लाइव आकर के, या फिर मेरी पोस्ट आती है तो पोस्ट के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। आपको सिर्फ जयपुर में एक बार ही सबको तो आना है, जो मेन मजबूत लोग है, जो काम करने का नेतृत्व करने की क्षमता है, उनको आना है इस मीटिंग में, और जो इस मीटिंग के आगे की रणनीति बनाएंगे, इसमें सबको भागीदार होना बहुत जरूरी है। सिर्फ 15 दिन मेहनत कर लो, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है ना? धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे ईरा बोस, राजस्थान के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं युवा हल्ला बोल के। इन्होंने वादा किया कि आप 15 दिन को दे दें, आपकी जो पंचायती राज LDC भर्ती 2013 के शेष रहे 10,029 पद हैं, उनमें 100% ज्वाइनिंग मिलेगी। इन्होंने कहा कि पहले आप एक मीटिंग का अरेंजमेंट करें, मीटिंग में सभी को उपस्थित होना अनिवार्य है, इसके बाद मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा कि किस इस प्रकार से इस भर्ती को करवाया जा सकता है। क्या आमरण अनशन किया जाए, क्या धरना प्रदर्शन किया जाए, या कोई अन्य तरीका निकाल कर इस भर्ती को करवाया जाए। लेकिन इन्होंने कहा कि 15 दिन आप मेरे को दे दीजिए, मैं आपकी जो पंचायती राज LDC भर्ती 2013 है उसके शेष रहे 10,029 पदों पर ज्वाइनिंग देने का वादा करता हूँ, ज्वाइनिंग दिलाने का वादा करता हूँ। तो दोस्तों, ईरा बोस जी का बड़ा संदेश है यहाँ पर पंचायती राज LDC भर्ती 2013 को लेकर। इन्होंने नेहरू गार्डन जो जयपुर में है, उनमें मीटिंग करने को लेकर युवा साथियों को आह्वान दिया है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मीटिंग का आयोजन करें, उसमें जब भी मीटिंग आयोजित हो सोमवार या मंगलवार को, तब उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा पधारे, ताकि जो पंचायती राज LDC भर्ती 2013 के है उसके शेष रहे 10,029 पदों पर जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल सके। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।